बैक टू मम्मी का मैजिक। वेल आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा, एंड दो रेसिपीज मैंने आपको एज योर टीचर बन के दिखाई। अब मैं एक रेसिपी डेडिकेट करूंगी अपने टीचर को, मास्टर शेफ संजीव कपूर को, क्योंकि उन्हें मैंगोज बहुत पसंद है, उन्हें कोकोनट बहुत पसंद है। तो मैं एक मजेदार सी डिजर्ट बना रही हूँ स्पेशली उनके लिए, एंड आई एम श्योर इवन यू ऑल विल लव द रेसिपी। लेट्स मेक मैंगो सैगो पुडिंग। बहुत आसान है इसे बनाना। ओके, लेट्स बिगिन। एक अच्छे से पैन में हम लेंगे थोड़ा घी। घी क्या होता है? इट्स बेसिकली क्लारिफाइड बटर, और उसे थोड़ा गरम करेंगे। साबुदाना हर घर में बनता है, साबुदाने की खिचड़ी बनती है, उसका वड़े उसके बनते हैं, बहुत बनता है, लेकिन आज उसे हम पुडिंग में इस्तेमाल करके बनाएंगे, एंड इट्स लवली। मैंने पहले से ही साबुदाना को सोक करके रखा था, सो इट्स बिकम नाइस एंड फ्लफी, एंड अब इसे मैं भूंज लूंगी घी में। लवली खुशबू। जैसे ही ये साबुदाना थोड़ा भून जाए, उसका कलर हल्का गोल्डन होने लगे, उसके बाद उसमें हम डालेंगे ये रिड्यूस्ड मिल्क। आप रेगुलर दूध भी डाल सकते हैं। इसे अब थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे चीनी, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची की खुशबू तो बहुत ही कमाल की होती है। एंड अब फाइनली इसमें हम डालेंगे हमारा मैंगो प्यूरी। वेल अभी मैंगो सीजन में नहीं है, इसलिए मैं मैंगो पल्प यूज़ कर रही हूँ। जब मैंगो सीजन में हो, यू कैन यूज़ फ्रेश मैंगो पल्प। कमाल की खुशबू आ रही है इलायची से मैंगो पल्प जो हमने इस्तेमाल किया है। एंड नाउ वी आर गोना कुक दिस इन द ऑलरेडी रिड्यूस्ड मिल्क। दिस इज डन। अब हम लेंगे एक बोल, उस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी। चलिए अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ गरम गरम फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो फटाक से इंक्रीज हो जाता है, एंड इट्स नॉट गुड फॉर द फ्रिज एट ऑल। सो लेट इट कूल डाउन और उसके बाद आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं। नींबू और दूध को जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? करेक्ट, पनीर बनता है। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों इंग्रेडिएंट से एक कमाल का फेस पैक भी बनता है। जी हाँ, आपको ऑब्वियसली दूध को उबालना नहीं है, जस्ट यूज सम रेगुलर मिल्क एट रूम टेम्परेचर, या आप मिल्क क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मलाई। उसमें थोड़ा नींबू का जूस मिलाइए, अच्छे से उसे मिक्स कीजिए और अपने फेस पे लगा लीजिए। लीव इट फॉर 10 टू 15 मिनट्स एंड वॉला, यू आर गोना ग्लो लाइक अ प्रिंसेस। ट्राई कीजिए और मुझे लिख के बताइए कि डिड इट वर्क ऑर नॉट। ओके, दिस इज सेट। अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ के हेल्प से हम इसे काटेंगे। जेंटली इसे काटिए। यू कैन जस्ट सर्व इट लाइक दिस ओनली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एज ऑलवेज डू समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब हम लेंगे सम लवली डेसिकेटेड कोकोनट एंड उसे इसके ऊपर अच्छी तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे। Right, so this is done. Well, Chef Sanjeev Kapoor को coconut बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अच्छा coating डाल दिया है इसमें desiccated coconut का, basically dried coconut का। अगर आपको coconut नहीं पसंद है, you can absolutely avoid it. And now for a final touch, मैंने एक plum लिया है। And here you go, a mango sago pudding is ready. चलिए देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रीकैप। मैंगो सागो पुडिंग बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में घी गरम करें, उसमें डालें साबुदाना और एक मिनट तक भूनें, फिर डालें रिड्यूस मिल्क और अच्छे से मिलाएं, फिर डालें चीनी और छोटी इलायची पाउडर और अच्छे से मिलाकर दो मिनट तक पकाएं। अब डालें आम का पल्प, अच्छे से मिलाएं और साबुदाना के पूरी तरह से पकने तक और मिश्रण के गाढ़े होने तक पकाएं। अब एक ग्लास बेकिंग डिश को थोड़े घी से ग्रीस करें और पकाए हुए मिश्रण को उसमें अच्छे से फैला दें। रूम टेम्परेचर तक ठंडा करें और फ्रिज में सेट होने तक रखें। फिर डेसिकेटेड कोकोनट से टॉप करें और पम फैन से सजाकर ठंडा ठंडा परोसें।
आपके लिए एक स्पेशल मम्मी का मैजिक मंथली मेन्यू प्लान किया है। जस्ट गो टू www.foodfood.com एंड डाउनलोड इट। तो चलिए विद दिस हमारा टीचर्स डे स्पेशल एपिसोड यही खत्म हुआ। आपको आज की रेसिपीज कैसे लगे प्लीज मुझे लिख भेजिए ऑन mummikamagic@foodfood.com पर। ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर नाउ एंड डेफिनेटली ऑन फेसबुक, क्योंकि मैं आपके मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी ऑफ द मैसेजेस एज आई कैन। बस जाते जाते इतना कहूंगी कि रिमेंबर यू आर द परमानेंट टीचर इन योर चाइल्ड लाइफ। लेकिन साथ ही एक चीज का और ध्यान रखिए कि कई बार आपके बच्चे भी आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप केयरिंग एंड कीप लुकिंग अमेजिंग। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमृता रायचंद साइनिंग ऑफ। बाय बाय। अगर आपको भी वंडर शेफ के ये प्रोडक्ट्स पसंद आए तो लॉग ऑन टू www.wonderchef.in टू ऑर्डर योर वेरी ओन वंडर शेफ प्रोडक्ट्स।